वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जुर्म की दुनिया में कौन दोस्त और कौन दुश्मन, वाकई इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसी ही एक कहानी राजस्थान से सामने आई है, जहां एक डॉन की बीवी से प्यार करना एक दोस्त को बेहद भारी पड़ गया। अजमेर में बीते दिनों नितेश नैन नाम के एक प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या अजमेर के डॉन हरि ने 20 लाख में सुपारी देकर करवाई थी। नितेश डॉन हरि का ही बेहद करीबी दोस्त था। नितेश प्रॉपर्टी के साथ साथ सट्टे के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। सट्टे की दुनिया में ही उसकी मुलाकात हरि लंगड़ा नाम के डॉन से हुई थी, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और दोनों एक दूसरे के घर पर आने जाने लगे। इसी दौरान नितेश की डॉन हरि लंगड़ा की बीवी से भी करीबियां बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद जब एक मामले में डॉन हरि लंगड़ा जेल चला गया, तो नितेश और हरि की बीवी की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी भनक किसी तरह जेल में बंद हरि लंगड़ा तक पहुंच गई। कुछ दिनों बाद हरि को खबर मिली कि नितेश उसकी बीवी को बहला फुसला कर ले गया है और उसके साथ उसका 2.5 साल का बेटा भी चला गया। ऐसे में गुस्साए हरि ने नितेश को मरवाने का प्लान बनाया। उसने जेल के अंदर से ही 20 लाख में नितेश की सुपारी मनोज यादव नाम के एक अपराधी को दे दी। सुपारी लेने वाला मनोज नितेश को पहले से ही जानता था। मनोज ने 3 और लोगों को अपने साथ लिया और जयपुर नितेश से मिलने का बहाना करके उसके पास पहुंच गया, जहां वो हरि की बीवी और उसके बच्चे के साथ रुका हुआ था। इसी बीच मनोज ने नितेश को हथियार दिलाने का लालच दिया और हथियारों की खरीदारी के लिए 1 फरवरी को यूपी के फिरोजाबाद के लिए उसके साथ निकल गया। वहां पर तीनों सुपारी किलर ने मिलकर नितेश की हत्या कर दी और उसका शव एक मकान के नीचे जमीन में दफना दिया। जब नितेश वापस नहीं आया, तो उसके पिता ने हफ्ते भर बाद अलवर में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका की बात कही थी। जब पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की, तो हरि लंगड़ा और मनोज यादव का नाम सामने आया। ऐसे में पुलिस ने दोनों को एक साथ बैठाया और पूछताछ की, तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। हरि ने बताया कि उसने अपने नजदीकी आदित्य शर्मा उर्फ बिट्टू के माध्यम से मनोज यादव को सुपारी दी थी। इसके बाद मनोज ने 5 लाख रुपए अपने पास रखकर बाकी 15 लाख की सुपारी यूपी के 3 अपराधियों को बांट दी थी। बता दें, नितेश नैन पर एक हत्या का आरोप भी था, जिस पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com। नमस्कार।